इस वक्त की एक बड़ी खबर हमको मिल रही है बिलासपुर से। ये खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर अंतागढ़ टेप कांड मामले में राजेश मुणत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मंतुराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता को भी जमानत मिली है। एक अहम खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, अंतागढ़ टेप कांड मामले में राजेश मुणत को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मंतुराम पवार और पुनीत गुप्ता को भी जमानत मिली है। तो इस समय की बड़ी खबर है बिलासपुर से, अंतागढ़ टेप कांड मामले में राजेश मुणत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मंतुराम पवार और पुनीत गुप्ता को भी जमानत मिली। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी? पहले रायपुर की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत की, लेकिन अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसमें अग्रिम जमानत याचिका जो है मंजूर करते हुए बड़ी राहत दी है। और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि चूंकि जो टेप है वो असली है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है और उसकी सत्यता परखी नहीं जा सकती है, लिहाजा इस केस में दम नहीं है और याचिका को खारिज कर देनी चाहिए, जो जमानत है जो FIR है उसको खारिज कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर पहले भी सुनवाई हो चुकी थी और आज फिर से बहस कल पूरी होने के बाद आज इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन ले लिया है कि चूंकि यह मामला जो है अभी पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है, इसलिए इन तीनों को जो है जमानत दे देनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिलासपुर से अहम खबर, अंतागढ़ टिपकांड मामले में राजेश मुणत, मंतुराम पवार, पुनीत गुप्ता, इनको जमानत मिली है, एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है।